कन्नौद के ग्राम में मुख्यमंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक पंडित आशीष शर्मा के अथक प्रयासों से आदिवासी जनजाति की 100 छात्राओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बनाया गया है, जो पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। यह छात्रावास 1,38,00,000 की लागत से बनकर पूर्ण हुआ है, जिसका शुभारम्भ माननीय विधायक आशीष शर्मा द्वारा किया गया। यहाँ पर विधायक ब्रजमोहन घूत, मंडल अध्यक्ष विजय गुर्जर, पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय गुर्जर, पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जाट, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष हरिराम करवाड़ी, मंडल महामंत्री अनोखी चौहान, नगर अध्यक्ष राजकुमार वर्मा आदि भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज मध्य प्रदेश सरकार की बच्चे बचाओ बच्चे पढ़ाओ योजना के तहत आदिवासी छात्रावास 1,38,00,000 रुपए का ग्राम ननासर बना है और विगत वर्ष इसका भूमि पूजन हुआ था और एक वर्ष के अंदर अंदर यह भवन आज यहाँ बनकर तैयार हो गया है। इसमें आसपास के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की जो बच्चियाँ हैं उनके अभिभावक उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, निश्चित रूप से उनको एक बड़ा सहयोग मिलेगा। और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी का कर्मी और कथनी में समानता है और निश्चित रूप से हर उस परिवार तक पहुंचने का काम मध्य प्रदेश की सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से पहुंचने का प्रयास कर रही है, उसी का प्रतिफल है कि आज 100 बेड का यहाँ पर आवासीय छात्रावास बनकर तैयार हुआ है और बहुत गुणवत्तापूर्वक यह आवास विद्यालय उनको बच्चों को मिलेगा। मैं इसके लिए पूरे मंडल की ओर से माननीय विधायक जी को माननीय शुभकामनाएं देता हूँ और इसी प्रकार के कार्य निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आगे। कन्नौद से नितेश शर्मा की रिपोर्ट।